निवाड़ी पुलिस अधीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी के निर्देशन में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिले में तमाम थानों में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में निवाड़ी जिला अंतर्गत टहरका पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी अर्पित पाराशर की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परशुराम जयंती, ईद उल फितर जैसे आगामी पर्व को लेकर कस्बा एवं क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी अर्पित पारासन ने सभी से आगामी पर्व को शांति एवं सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाए जाने को लेकर अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि कस्बा एवं क्षेत्र में उद्दंडता करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आयोजित बैठक के दौरान टहरका थाना प्रभारी अर्पित पारासर एवं ग्राम पंचायत से आए सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के अलावा कस्बा एवं क्षेत्र भर से आए गणमान्य नागरिक, समाज सेवियों के साथ साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगामी 3 तारीख को त्यौहार है ईद और परशुराम जयंती का, उसमें शांति और सद्भाव एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था। जिस संबंध में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना टहरका में सम्माननीय नागरिकों द्वारा को मद्देनजर रखते हुए एक शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें बताया गया कि सद्भावना तरीके से त्यौहार मनाए जाएँ, उन पर जरूर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अगर कोई उल्लंघन करता है। अन्यथा शांतिपूर्ण तरीके से हमारी अपील है सभी से कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए जाएँ। निवाड़ी टहरका से यूडी न्यूज के लिए रफत जाफरी की रिपोर्ट।